दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से शुरू हैं। विधानसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी होंगे, किन के चेहरों पर दाव लगाए जाएं, इसको लेकर पार्टियों में भी मंथन का दौर है। आम जनमानस से लेकर के राजनीति में रुचि रखने वाले लोग भी ये जानना चाह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में, उनके इलाके में कौन सी पार्टी से कौन से नेता तैयारी कर रहे हैं। जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं उनसे लेकर के, और चाहे वो पान की दुकान हो, चाय की दुकान हो, नाई की दुकान हो, गली का नुक्कड़ हो, इन पर तमाम अगर आज चर्चाएं हैं तो राजनीतिक चर्चाएं हैं कि कौन सी पार्टी में कौन आ सकता है, कौन सी पार्टी से कौन जा सकता है, कौन सा नेता दल बदल सकता है, कौन सा नेता यहाँ जाएगा, कौन नेता वहाँ जाएगा, कौन नेता किसकी सिफारिश करेगा, किस नेता की दाल गलेगी, किसकी बात बन नहीं पाएगी, ये तमाम चर्चाओं के विषय हैं। और इन सबके बीच लगातार हम भी आपसे चर्चा कर रहे हैं तमाम विधानसभा क्षेत्रों को लेकर के कि कहाँ क्या हो सकता है। आपको दोस्तों एक बात जरूर बता दें कि इन विधानसभा चुनाव पर लोकसभा चुनाव परिणाम की पूरी छाया रहेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान चाहे वो कोई भी पार्टी है, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दो ही पार्टी बच जाती हैं, इन दोनों पार्टियों के जीते और हारे हुए कैंडिडेट, जीते और हारे हुए नेता जिनको टिकट मिला था, उनकी जो से होगी, उनकी जो यस होगी, वो बहुत मायने रखेगी। जो सांसद बन गए या सांसद का चुनाव हार गए, वो ये जरूर बताएंगे अपने पार्टी के आलाकमान को कि अमुक नेता ने उनके साथ अच्छा काम किया था और अमुक नेता इस चुनाव के अंदर विधानसभा के लिए बेहतर पसंद हो सकता है, बेहतर कैंडिडेट हो सकता है। और दोस्तों ये भी खाली ये नहीं कि वो मेरा खास है या वो मेरा प्यारा है, वो मेरा नज़दीक है, इस पर रिपोर्ट दे दी जाए, क्योंकि दोनों पार्टियों के लिए ये विधानसभा चुनाव जीवन मरण का सवाल होगा। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने 10 साल की सत्ता शासन को बचाने की चुनौती है, तो कांग्रेस के लिए 10 साल का सूखा खत्म करने का ये मौका। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी आला कमान के लिए, क्योंकि संसद के अंदर लोकसभा में पूरा बहुमत मिला नहीं, 3 राज्यों में चुनाव होने हैं अगले 100 दिन के अंदर, उनके अंदर महाराष्ट्र भी है, झारखंड भी है, हरियाणा भी है, हालांकि पूर्वोत्तर के कुछ राज्य भी होंगे, लेकिन प्रमुख चुनाव ये होंगे। झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए उनकी हरियाणा पर ज़्यादा नज़र रहने वाली है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के आला कमान के लिए भी किसी भी प्रकार से येन केन प्रकरण, क्योंकि तमाम राज्यों में धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त हो गई थी, अब कांग्रेस आला कमान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, ये सब रणनीति बनाने में लगे हैं कि किस प्रकार से अपना वापसी वो मुकाम वापस मिले। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक एक विधानसभा की सीट जरूरी है और इसी लिहाज से हम आपसे लगातार विधानसभा सीट पर स्तर पर बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपसे अपने पिछले वीडियो में प्रथला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का कैंडिडेट कौन हो सकता है, कांग्रेस की पसंद कौन हो सकता है, इसको लेकर चर्चा की। और इस वीडियो में मैं आपके साथ हूं प्रथला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन हो सकता है, किसके जिम्मे भारतीय जनता पार्टी लगा सकती है ड्यूटी की वो कमल खिला दे। और प्रथला विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र के अंदर, इस एरिया में लोकसभा चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर जो लगभग 2.25 लाख वोट से चुनाव जीत गए, लेकिन प्रथला विधानसभा में लगभग 7500 वोटों से, यानी कि 7500 वोटों से वो लगभग चुनाव हार गए। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम थी, लेकिन उसको कांग्रेस के रघुवीर सिंह तेवतिया ने शिकस्त दे दी। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी होगा कि ऐसा कौन सा चेहरा सामने लाया जाए कि जिस चेहरे पर अपना निशाना लगा करके, जिस चेहरे को अपना चेहरा बना करके भारतीय जनता पार्टी चुनावी वैतरणी पार कर ले। दोस्तों इस प्रथला विधानसभा क्षेत्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिस पर कि 3 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, 2009, 2014 और 2019, एक भी विधानसभा चुनाव में कमल खिला नहीं। प्रथला विधानसभा से एक बार कांग्रेस बनी, एक बार बहुजन समाज पार्टी बनी और एक बार निर्दलीय बने। कांग्रेस से रघुवीर सिंह तेवतिया 2009 में बने, बीएसपी से 2014 में टेकचंद शर्मा बने और 2019 में नैनपाल रावत निर्दलीय बन गए। भले ही टेकचंद शर्मा और नैनपाल रावत भाजपा का साथ देते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना चेहरा यहाँ से नहीं रहा। और इस चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि पहली बार कैसे तो कमल खिला लें
और कैसे लोकसभा चुनाव में जो 7500 वोट की हार हो गई उस हार को जीत में तब्दील कर लें। ऐसा कौन सा नेता हो, कौन सा चेहरा हो जिस पर दाव खेल कर भारतीय जनता पार्टी सीट को जीत ले। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये आएगी, मैंने आपको बताया कि चुनाव जीतने और हारने वाले, क्योंकि फरीदाबाद से सांसद बन गए कृष्णपाल गुर्जर और कृष्णपाल गुर्जर के साथ प्रथला विधानसभा में एक बड़ी टीम काम कर रही थी। प्रथला के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा भी, हालांकि पहले तो नाराज थे, पहले तो उन्होंने एक वीडियो भी जारी कर दिया था कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए, लेकिन बाद में पूरे तन्मयता के साथ बाद में वो कृष्णपाल गुर्जर के साथ जुट गए। और जिस प्रकार जो कृष्णपाल गुर्जर का अपने मतदाताओं का जो धन्यवाद समारोह था उसमें टेकचंद शर्मा के साथ गलबैयां करते हुए कि जो फोटो वायरल सोशल मीडिया पर हुई थी वो फोटो कुछ कह रही थी, उसके बाद में अगर चले तो नैनपाल रावत निर्दलीय विधायक हैं, निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत भी पूरे चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर के साथ लगे रहे। हालांकि नैनपाल रावत और कृष्णपाल गुर्जर के बीच कभी 36 का आंकड़ा रहा है। नैनपाल रावत को जो 2019 में विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिला उसके पीछे भी यही कहा जाता था कि कृष्णपाल गुर्जर जी की अदावत उनके साथ जो थी वो भी एक कारण था। लेकिन आप कुछ भी कहें, उन सब पुरानी बातों को भूलते हुए नैनपाल रावत चुनाव में साथ रहे। अगर अगली बात करें तो फिर कृष्णपाल गुर्जर की प्रथला विधानसभा क्षेत्र में अपनी भी एक बड़ी पौध तैयार है। अगर मैं ये कह दूं कि कृष्णपाल गुर्जर ने प्रथला विधानसभा क्षेत्र में नेताओं की नर्सरी तैयार कर दी थी, बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे कैंडिडेट तैयार किए। इस प्रथला विधानसभा क्षेत्र में कृष्णपाल गुर्जर के नाम पर राजनीति करने वालों में पुराने जो कैंडिडेट सोनपाल छोकर तो हैं ही हैं, उसके बाद अगर देखें तो फिर यहाँ पर बलदेव सिंह अलावलपुर, ये कृष्णपाल गुर्जर के साथ, कृष्णपाल गुर्जर के साथ रह करके ही राजनीति करते हैं, कृष्णपाल गुर्जर का ही इनको आशीर्वाद है। अगर अगला लें तो फिर दीपक डागर एक प्रथला विधानसभा क्षेत्र के गांव के ही हैं और वो भी अपनी जो राजनीति है वो भी कृष्णपाल गुर्जर के साथ करते हैं। अगर तीसरा नाम लें तो यहाँ से फिर जिला पार्षद हैं देशवाल, गाँव तो उनका ललपुरा है लेकिन वो प्रथला विधानसभा क्षेत्र के जो बड़े गांव हैं अलावलपुर, जनौली, सदरपुर, इन गांवों का जो जिला परिषद का वार्ड है वहां से पार्षद सदस्य चुने गए, वो भी कृष्णपाल गुर्जर के साथ हैं, हालांकि नायब सिंह सैनी को भी बुलाया था उन्होंने। उसके बाद में अगर चलें तो प्रथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर और भी कई नाम हैं। बिजेंद्र नेहरा भी प्रथला विधानसभा क्षेत्र में है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वो भी बीजेपी की जो राजनीति करते हैं उनके साथ में कृष्णपाल गुर्जर का वर्द हस्त है, हालांकि उनकी पकड़ बीजेपी में और भी होगी। लेकिन मतलब आप मान सकते हैं कि ये कई नेता, लगभग आधा दर्जन नेता ऐसे हैं कि जिनको कृष्णपाल गुर्जर ने तैयार किया, उनको मैदान में उतार दिया और वो चुनावी राजनीति करते हैं। अब इन सबसे आगे चलें तो प्रथला विधानसभा क्षेत्र से एक बार चुनाव लड़ी थी इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर 2009 के चुनाव में, हालांकि उन्होंने 2019 में जेजेपी का टिकट छोड़ दिया था टिकट मिलने के बाद भी। शशिबाला भिड़ूकी गांव की सरपंच हैं, उन्होंने भी दावा कर दिया है कि प्रथला में अगर बीजेपी चाहे तो वो भी तैयारी कर सकती हैं। मतलब ये बहुत सारे नाम हैं और शशिबाला का भी आप कहें तो वो भी कृष्णपाल गुर्जर जी के सहारे हैं। तो एक दो नेता तो ये हो गए, टेकचंद शर्मा और नैनपाल रावत, और फिर आधा दर्जन नेताओं की और पौध जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर अपनी तैयारी करते हैं। अब अगर आ जाए बात कि कौन से नेता पर दाव चल करके भारतीय जनता पार्टी इस सीट को निकाल ले, ऐसा कौन सा नेता हो कि जिसके सहारे बीजेपी इस सीट को निकाल ले, चुनाव जीत जाए, तो मैंने पहले ही कहा कि सबसे बड़ी सेह तो कृष्णपाल गुर्जर की होगी कि कृष्णपाल गुर्जर जिस कैंडिडेट के लिए कहेंगे उस पर पार्टी आलाकमान गंभीरता से विचार करेगा, मनन करेगा, मंथन करेगा। और दूसरी बात, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर लोकल सांसद हैं और लोकल सांसद भी एक बार के नहीं तीन बार के सांसद हैं, जमीनी नेता हैं, जानते हैं किसमें कितना दम है, और कृष्णपाल गुर्जर पर भी दारोमदार रहेगा ऐसे माहौल में कि फरीदाबाद लोकसभा से, आपको मैं ध्यान दिला दूं कि 2019 के चुनाव में सात नेता विधायक बने थे फरीदाबाद से भारतीय जनता पार्टी के, फरीदाबाद लोकसभा से, इस बार भी उन पर दारोमदार रहेगा कि किसी भी प्रकार से वो सात के आंकड़े को तो कम से कम पूरा करें, और उसके लिए जरूरी होगा कि प्रथला भी उनके हाथ में आ जाए। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि समीकरण क्या है, तो समीकरण के लिहाज से देखें तो 2014 के चुनाव में टेकचंद शर्मा बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर विधायक बन गए थे,
विधायक बनने के बाद उन्होंने समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को, मनोहर लाल जी के साथ रहे। 2019 के चुनाव में टेकचंद शर्मा को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, हालांकि वो बीजेपी में शामिल हो चुके थे। और 2019 के चुनाव में टेकचंद शर्मा ने त्याग कर दिया कि उन्होंने वो चुनाव लड़ा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। न केवल प्रथला में बल्कि जहाँ जहाँ उनका जुगाड़ था, जहाँ जहाँ उनके समर्थक मतदाताओं की संख्या थी, वहाँ उन्होंने मदद की। प्रथला विधानसभा भारतीय जनता पार्टी हार गई और जीत भी गई। टेकचंद शर्मा 2019 से लेकर के और फिर अब 2024 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी में बने रहे। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि उनकी कुछ अदावत थी कृष्णपाल गुर्जर से, वो भी खत्म हो गई। राजनीति के अंदर जब भी कोई व्यक्ति अगर कोई चुनाव लगातार हार जाता है या फिर उसको पार्टी टिकट काट दे और चुनाव उसको ना लड़ना पड़े, वो व्यक्ति अगर समर्पित रहे तो फिर उसके साथ में एक सिंपथी जुड़ जाती है और ये सहानुभूति का फायदा टेकचंद शर्मा को मिल सकता है। टेकचंद शर्मा को इस सहानुभूति का फायदा मिल सकता है। और क्योंकि रघुवीर सिंह तेवतिया के मुकाबले एक स्ट्रांग कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए होगा जो अपने बूते भी मतदाताओं को साध सके, तो टेकचंद शर्मा की ब्राह्मण मतदाताओं के साथ साथ दलित मतदाताओं में भी ठीक ठाक पकड़ है। इस लिहाज से नंबर एक पर हम समझते हैं कि टेकचंद शर्मा एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। अगर अगली बात आए तो फिर नैनपाल रावत। नैनपाल रावत ने 2019 का चुनाव निर्दलीय जीत करके ये बता दिया कि उनमें भी पूरा दम है, लेकिन राजनीति के अंदर जब भी कोई व्यक्ति सत्ता में आ जाता है, चुनाव जीत जाता है, चुनाव जीतने के बाद सत्ता में आने के बाद में एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है, उनका कहीं ना कहीं विरोध भी होता है। नैनपाल रावत के साथ भी पिछले काफ़ी समय ये बात चलती रही, राजनेताओं के अंदर भी और आम जनमानस के अंदर भी। लेकिन इस सब के बावजूद, क्योंकि नैनपाल रावत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के भी नज़दीक हैं, लगातार पार्टी को समर्थन देते रहे हैं, दूसरी बात मनोहर लाल के भी नज़दीक रहे, कृष्णपाल के साथ जो उनकी अदावत थी मैं समझता हूँ कि शायद अब वो ख़त्म हो गई होगी। इस लिहाज से नैनपाल रावत को क्या भारतीय जनता पार्टी अपना जो उन्होंने समर्थन दिया उसका मूल्य चुकाते हुए उनको भी आजमा सकती है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वाली बात यहाँ जरूर आ जाएगी कि कहीं पार्टी ये ना सोचे कि एंटी इनकम्बेंसी है तो उससे बच लिया जाए। अब जो बाकी कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो सभी कैंडिडेट जाट समाज के हैं, टेकचंद शर्मा ब्राह्मण समाज से, नैनपाल रावत राजपूत समाज से, और बाकी सभी जो कैंडिडेट जो दावेदारी कर रहे हैं वो जाट समाज से, और जाट समाज से जो दावेदारी कर रहे हैं उनके अंदर मैंने आपको पहले ही नाम बता दिए कि बलदेव डाग अलावलपुर जो है अलावलपुर गांव के हैं, जो देशवाल साहब हैं जो जिला पार्षद हैं, वो उनका गांव पलवल विधानसभा का ललपुरा गांव है, यानी कि उनका गांव प्रथला विधानसभा में नहीं है। जो दीपक डागर हैं वो शायद जाजरू गाँव के हैं, ब्रजेंद्र नेहरा वो भी प्रथला विधानसभा क्षेत्र के हैं, सोनपाल छोकर का भी प्रथला विधानसभा क्षेत्र से ही जुड़ाव है। अगर जो शशि बाला की बात करूँ तो शशि बाला तेवतिया उसी गांव की हैं जिस गांव के टेकचंद शर्मा हैं, उसी भिड़ूकी गांव की। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि वो मंथन करे, चिंतन करे, मनन करे, और सबसे बड़ी ड्यूटी मैं आपसे फिर कह दूं कि कृष्णपाल गुर्जर की होगी कि जिस पर हाथ रखें। लेकिन जो प्रथम दृष्टया नज़र आता है वो ऐसा लगता है कि प्रथला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट के दावेदार हो सकते हैं उनमें टेकचंद शर्मा का नाम भी सबसे ऊपर हो सकता है और नैनपाल रावत भी उस मुकाबले में आ सकते हैं। मगर अगली बात आपसे वीडियो खत्म करने से पहले एक और कर लें, तो क्योंकि राजनीति के अंदर संभावनाएं बड़ी बनी रहती हैं और पिछले दिनों से राजनीतिक गलियारे में चर्चा करण सिंह दलाल को लेकर भी है। चर्चा ये भी है कि करण सिंह दलाल के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रथला और हथीन की बात चलती है, लेकिन क्या ये दलाल के लिए बात होती है और या फिर कहीं, क्योंकि करण सिंह दलाल के साथ एक तिगड़ी बन चुकी थी और उस तिगड़ी में शामिल थे टेकचंद शर्मा भी और केएस सिंह रावत भी, कहीं वो मांड वाली तो नहीं, आपसे अगले वीडियो में इस बारे में बात करूंगा। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि प्रथला से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आपकी नज़र में कौन बेहतर हो सकता है। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।